डेडलस और इकरस। कई साल पहले मिनोस नाम का एक राजा रहता था। वो क्रीड नाम के एक द्वीप का एक बहुत ही क्रूर और दुष्ट राजा था। एक दिन उसने डेडलस नाम का एक शिल्पकार को एक पत्र भेजा। पत्र में ऐसा लिखा था, मेरे द्वीप पर अपने बेटे को ले आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। उत्सुक होकर डेडलस और उसका बेटा इकरस महाराज से मिलने निकल पड़े। नौसोस महल में महाराज मिनाज ने उनका स्वागत किया। डेडलस और इकरस की अच्छी खातिरदारी करने के बाद महाराज ने उनसे मिला और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल के तहखानों में एक गुप्त भूल भुलैया बनाओ। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसमें इतने उलझन होने चाहिए कि जो भी इसमें घुसे वो कभी बाहर आ नहीं पाए। मैं उस भूल भुलैये को द लैबिरिंथ नाम दूंगा। डेडलस बिना कोई सवाल किए अपने काम पर लग गया। जब भूल भुलैया तैयार हो गया तब महाराजा ने डेडलस को उसका राज बताया। ये भूल भुलैया एक भयानक राक्षस मिनाटोर के लिए एक कैद खाना है। राक्षस का सर सांड का था और शरीर मनुष्य का। क्रीट के लोग इस राक्षस से बड़ा भयभीत थे क्योंकि ये राक्षस इंसानों का मांस खाता था। प्रजा ने महाराज से कुहार लगाई ताकि उस राक्षस को मारने के लिए वो आदेश जारी करे, पर महाराजा ने उसको कैद करने का निर्णय लिया ताकि वो उस राक्षस को अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल कर सके। महाराजा के आदेश पालन करते हुए डेडलस ने एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा भूल भुलैया के ठीक बीच में रख दिया ताकि वो राक्षस उससे आकर्षित हो। जब मिनोटॉर भूल भुलैया के अंदर घुसा वो उसमें से बाहर निकल नहीं पाया। ये देखकर महाराज बड़ा खुश हो गए। इसके बाद महाराज अपने दुश्मनों को लैबिरिंथ के अंदर भेज देते और वो बेचारे मिनोटॉर के जिंदा शिकार बन जाते, अपने दुश्मनों के लिए एक तगड़ा दंड। जब डेडलस और इकरस महाराज के पास अपने पैसे मांगने गए तो महाराजा ने साफ मना कर दिया, मैं क्यों दूं? मैं महाराजा हूं और जो मर्जी में आए मैं कर सकता हूं, और इस भूल भुलैये के बारे में सिर्फ तुम दोनों जानते हो, और इस वजह से मैं तुम दोनों को यहां से जिंदा जाने नहीं दे सकता। ये कहकर महाराज ने उन दोनों को भूल भुलैया के अंदर डलवा दिया, ये सोचकर कि मिनोटॉर तो उन दोनों को खा जाएगा, पर डेडलस और उसका बेटा वहां से बच निकले। आखिरकार भूल भुलैया तो उन दोनों ने ही बनाया था। लैबिरिंथ से बच निकलने के बाद डेडलस और इकरस ये सोच में पड़ गए कि अब उन दोनों को क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने इर्द गिर्द वहां के पेड़ पौधों को देखकर सोचा कि इस जगह पर वो तो थोड़े दिनों के लिए छुप सकेंगे, पर पकड़े जाने के डर के साथ ऐसा कौन रह पाएगा। उनको उस द्वीप से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला, उन्हें तो तैरना भी नहीं आता था। डेडलस ने आसमान की तरफ देखा, वहां गंगा चिल्ली उड़ रहे थे। उसने सोचा, काश कि हम इन पक्षों की तरह आजाद होते। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। डेडलस ने पंख बनाने का निर्णय लिया ताकि वो दोनों उड़ के वहां से निकल सके। द्वीप पर हर तरफ गंगा चिल्ली के पर बिखरे पड़े थे, तो डेडलस ने अपने बेटे इकरस से कहा कि वो सारे पंख बटोर लाए। डेडलस ने गौर से पंछियों को जांचा ये जानने के लिए कि आखिर वो उड़ते कैसे हैं। आखिरकार 6 हफ्तों के बाद उन्होंने 2 जोड़े पंखों को बना ही लिया। इन पंखों के साथ तुम एक परिंदे की तरह उड़ पाओगे, पर ध्यान रहे सूरज के बहुत करीब नहीं जाना, क्योंकि जो मोम इन पंखों पे लगा है वो पिघल जाएगा। इकरस ने उसके बाद ध्यान से सुना और फिर उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की अपने अपने पंखों को पहनने के लिए। हम तैयार हैं, मेरे पीछे पीछे आना। डेडलस तेजी से दौड़ा, फिर अपने हाथों को फैलाया और ऐसा करते ही जूम, वो आसमान में उड़ गया।
इकरस ने भी ठीक अपने पिता का अनुसरण किया और वो भी आसमान में उड़ गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उड़ रहा है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में कोई भार है ही नहीं। खुशी से वो एक परिंदे की तरह और ऊंचा उड़ा, और तेज और ऊंचा। अरे कमाल हो गया पिताजी, हम उड़ रहे हैं। अचानक से इकरस को यह एहसास हुआ कि वो तो अपने पिता को देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उनसे काफी ऊपर उड़ गया था और साथ साथ एक एक करके उसके पंख भी गिरने लगे। बहुत देर हो चुकी थी, इकरस सूरज के बहुत करीब चला गया था। वो नीचे आने का प्रयत्न करने लगा तो उसका समस्या और बिगड़ने लगी। पिताजी मुझे बचाओ, मेरे पंख पिघल रहे हैं, पिताजी मैं मरना नहीं चाहता। फिर इस तरह से चिल्लाते हुए इकरस नीचे समुद्र में जा गिरा। उसके बचे हुए पर ऊपर पानी में तैर रहे थे। डेडलस ने बहुत ही मजबूर हालत में अपने बेटे को डूबते हुए देखा। बहुत देर हो चुकी थी, वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। मजबूर और असहाय हालत में डेडलस उड़ता चला गया और अंत में वो सुरक्षित सिसिली के शहर में जा पहुंचा।